सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा तूने ही विपदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे बस एक तुम ही उजियारे हो। पितुमात सहायक स्वामी सखा तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं उसके तुम एक सहारे हो। क्षमा कीजिए नाथ, मैंने आपका ध्यान भंग कर दिया। आज हम बहुत प्रसन्न हैं। परंतु मुख पर प्रसन्नता और नैन में नीर, क्या कारण है नाथ? देवी, आज हमारे जीवन का मंगल त्योहार है। अनाथों के नाथ भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार धारण किया है। राम का अवतार भगवान विष्णु ने? हाँ सती, जब धरती पर अत्याचार बढ़ जाते हैं तो भक्तों का दुख दूर करने के लिए भगवान अवतार लिया करते हैं। धरती पर जब मचा हुआ था भीषण हाहाकार, अवध में हुआ राम अवतार, अवध में हुआ राम अवतार, हुआ राम अवतार, अयोध्या में मंगल छाया। सूर्य देव ने सूर्य वंश का आंगन दमकाया। गुरु वशिष्ठ से विद्या पाकर राम लखन घर आए। दशरथ जी की राजसभा में मुनि आए घबराए। विनती सुनकर सौंप दिए मुनि को प्राणों के प्यारे। चले यज्ञ की रक्षा करने दोनों राज दुलारे। बंधु करते रहते उद्धार, अवध में हुआ राम अवतार। हर
सारी सभा से जब शिव जी का धनुष नहीं उठ पाया, रघुनंदन ने धनुष भंग कर सबका कष्ट मिटाया। इधर जानकी ने पहनाई रघुपति को वरमाला, आंख मिचोली खेल रहे थे अंधकार उजियाला। होनहार ने तोड़े पल में राज मुकुट के तार। सुख के बदले दुख की छाई चारों उदासी, राजा बनने से पहले ही राम बने बनवासी, राम बने बनवासी। हाय राम बने बनवासी। गंगा पार उतर कर रघुवर पंचवटी में आए, लखन सिया के साथ यहाँ कितने ही वर्ष बिताए। माया का मृत देख जानकी जी का मन ललचाया, चले राम मृत छाला लेने होनी ने बहकाया। घर कर नर का रूप निरंजन नचा रहे संसार। हे सीते हे लक्ष्मण, सुनकर मृग की छल की वाणी सिया बहुत अकुलाई। हट करके लक्ष्मण को भेजा विनय नहीं सुन पाई। सुनी कुटिया देख के रावण साधु बन कर आया। भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षाम देही कहकर अलख जगाया। चला सिया को लेकर रावण पशु पंछी अकुलाते, सीता हरण हुआ रघुनंदन बन बन नीर बहाते। हे सीते हे क्या मैं आपके राम प्रभु के दर्शन कर सकती हूँ? क्यों नहीं सती, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी। आओ। तुमने प्रणाम नहीं किया सती। नाथ, एक साधारण मनुष्य के समान विलाप करने वाले यही है आपके राम प्रभु? हाँ देवी। परंतु नाथ, मुझे विश्वास नहीं होता कि संसार के पालनहार भगवान विष्णु यही है। सती, डगमगाते हुए विश्वास को दूर करने का केवल एक ही उपाय। क्या मैं परीक्षा ले सकती हूँ? तुम्हारी यही इच्छा तो जाओ, जाकर संदेह मिटा कर आओ, हम यही प्रतीक्षा कर रहे हैं। Thank you.
माँ माँ सीता सती माँ मातेश्वरी आज आप अकेली कैसी भगवान भोलेनाथ को कहाँ छोड़ाएं मुझसे भूल हो गई भगवान मातेश्वरी भूल और आपसे मैं उनकी आज्ञा न मानकर आपकी परीक्षा लेने चली आई थी परंतु जैसा सुना वैसा ही पाया क्या भोलेनाथ भी आए हैं चलिए मैं उनके दर्शन कराई देती हूँ मैं हूँ चरणों की
नारायण नारायण। मुनिराज। मातेश्वरी, आपकी आंखों में आंसू, इस उदासी का कारण क्या भोलेनाथ से कुछ अनबन हो गई है? नहीं मुनिराज, ऐसी कोई बात नहीं। नारायण नारायण, कोई ना कोई कारण तो अवश्य है। वहां भोलेनाथ मौन धारण किए बैठे हैं और यहाँ आप व्याकुल। देवी, बात क्या है? मुनिराज, भोलेनाथ के समझाने पर भी मैं सीता बनकर भगवान राम की परीक्षा देने चली गई थी। नारायण नारायण, जगदम्बे, आपसे ये बहुत बड़ी भूल हो गई है। हाँ मुनिराज, यही तो मेरी भी चिंता है। परंतु चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ, बड़ी से बड़ी भूल भी क्षमा कर देंगे। नारद जी, ये चंद्रमा और रोहिणी कहाँ जा रहे हैं? आप नहीं जानती, दक्ष प्रजापति एक महान यज्ञ कर रहे हैं जिसमें भाग लेने के लिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा, देवराज इंद्र, अगस्त, गौतम, भारद्वाज सभी देवताओं को बुलाया है। मुनिराज, अब मैं आपके आने का कारण समझी। आप पिताजी का निमंत्रण लेकर आए हैं, चलिए ना भोलेनाथ के पास। नारायण नारायण। परंतु जगदम्बे, दक्ष प्रजापति ने इस महान यज्ञ में देवादि देव महादेव को नहीं बुलाया। प्रजापति दक्ष, तुमने तीनों लोक के देवताओं, महात्माओं, ऋषियों, मुनियों को यज्ञ का निमंत्रण दिया, परंतु यज्ञों के स्वामी महादेव को क्यों नहीं बुलाया गया? देवादि देव महादेव को निमंत्रण न भेजकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। जिस यज्ञ मंडप में 3500 देवता बुलाए गए, परंतु जो सब देवताओं के स्वामी आश्चर्य, 3500 सदस्य को बुलाना कैसे भूल गए? क्या हो गया तुम्हारी बुद्धि को? दधीच जी, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है दक्ष, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। जाओ और शिव को मान सहित ले आओ, उनके आए बिना इस यज्ञ का पूर्ण होना असंभव है। क्या संभव है, क्या संभव है, ये हम भली प्रकार जानते हैं। जिस यज्ञ मंडप में त्रैलोक के विधाता प्रजापति ब्रह्मा, यज्ञ के पालनहार भगवान विष्णु हो, स्वर्ग के स्वामी देवराज इंद्र हो, वहाँ भूत पिशाचों के स्वामी शंकर की क्या आवश्यकता थी? अहंकारी दक्ष, मेरे शीश पर काल लाग रहा है। ये सभा में शिव की निंदा होती है, वहाँ पाप का साम्राज्य हो जाता है, वहाँ धर्म की हानि होने लगती है। परमात्मा, पुण्यात्मा, सन्यासियों और सत्य साक्षियों को इस यज्ञ मंडप पे एक क्षण भी नहीं ठहरना चाहिए। कान खोल कर सुन ले दक्ष, तेरी सभा में शिव का अपमान हुआ है। यहाँ शिव के एक पद का भी ठहरना संभव है। चलो इस पाप की सभा। अच्छा, शिव के प्यारे स्वयं यज्ञ सभा छोड़कर चले। पिताजी महान यज्ञ कर रहे हैं, सब सगे स्नेहियों को बुलाया है, देवताओं, ऋषियों और मुनियों को भी बुलाया है। मेरी प्रार्थना है आप भी पिताजी के यज्ञ में चलिए। चलिए नाथ। नहीं सती, हमें निमंत्रण नहीं भेजा गया, दक्ष यज्ञ में हमें नहीं जाना चाहिए। ना, आपने ही कहा है, गुरु, मित्र और पिता के घर बिना बुलाए जाना भी धर्म है। परंतु जहाँ जानबूझकर अपमान करने के लिए निमंत्रण न भेजा जाए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। मैं यही जानने के लिए यज्ञ में जाना चाहती हूँ कि देवादिदेव महादेव के पास निमंत्रण क्यों नहीं भेजा गया। देवी, मान की भिक्षा नहीं मांगी जाती। पति परमेश्वर का अपमान कोई स्त्री सहन नहीं कर सकती। स्वामी, मैं वहां जाऊंगी और यज्ञ में आपका भाग न दिला सकी तो यज्ञ नहीं होने दूंगी। सती, आज्ञा दीजिए प्रभु। जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु नंदी को साथ लेती जाओ। होनहार अटल। दक्ष प्रजापति, भूल को स्वीकार करना मनुष्य की महानता है। देवादि देव महादेव को ना बुलाकर आपने बहुत बड़ी भूल की। भूल तो तब हुई थी नारद जी, जब पिताजी की आज्ञा मानकर मैंने अपनी पुत्री स्तुति का विवाह शंकर के साथ किया था। दक्ष अपने कर्तव्य को पहचानता है, यज्ञ आरंभ करो। ओम नमो अग्निदेवाय स्वाहा। हे रो सती, सती
जिस यज्ञ में देवताओं के स्वामी देवादिदेव महादेव को यज्ञ का भाग न मिले वो यज्ञ नहीं हो सकता। ब्रह्मदेव, मेरे पिताजी से भूल हो सकती है, परंतु सदाशिव को निमंत्रण न भेजने पर क्या इस यज्ञ मंडप में आपका आना न्याय है? न्याय और अन्याय का उपदेश देने वाली लड़की, और आगे न बढ़। तीनों लोक का पालन करने वाले भगवान विष्णु, आप यहाँ आकर सदाशिव का अपमान कैसे देख सके? तुम्हारे यज्ञ मंडप में बिना बुलाए आकर मान और अपमान की दुहाई देने का तुझे क्या अधिकार? पिताजी, मैं भी यही प्रश्न करने आई हूँ, सदाशिव के बिना आपको यज्ञ करने का क्या अधिकार है? अधिकार किसे मिलना चाहिए और किसे नहीं, ये जानना हमारा कर्तव्य है। हमने उन्हीं को यज्ञ में बुलाया है जिन्हें यज्ञ में भाग पाने का अधिकार है। परंतु जब यज्ञ के स्वामी को ही नहीं बुलाया गया, फिर यज्ञ कैसे हो सकता है? अवश्य हो सकता है, जान पड़ता है उस भूत प्रेतों के नाथ ने तुझे इस भरी सभा में हाथ पसार कर मान की भिक्षा मांगने के लिए भेजा। पिताजी, ये न भूलिए वे मेरे स्वामी है, आपने मेरा हाथ उनके हाथों में दिया है। उसी भूल का पश्चाताप हम आज भी कर रहे हैं। हम ये नहीं चाहते थे कि हमारी पुत्री का विवाह उस वैरागी के साथ हो, परंतु उस भूल का सुधार आज भी हो सकता है। पिताजी, बस पिताजी, नाथ का और अपमान मत कीजिए। मुझे यहाँ आने से रोका था, मैं ही हट करके चली आई थी। भोलेनाथ के चरणों में ये सौगंध खाकर आई थी कि यज्ञ का भाग न दिला सकी तो यज्ञ नहीं होने दूंगी। अब ये शरीर लेकर उनके सामने नहीं जा सकती, मैं अपनी आहुति देकर इस यज्ञ को नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। ओम अग्नि देवाय नमः। माहेश्वरी जी, क्षमा करें, मेरी ज्वाला आपको भस्म नहीं कर सकती। अग्निदेव, तुमने भी मेरी ओर से मुख मोड़ ली, परंतु सती में इतनी शक्ति है कि वो अपनी ही आत्मज्योति से इस काया को भस्म कर दे। सती जन्म जन्मांतर केवल शिव की ही रहेगी। ओम नमः शिवाय। ओम का काटा निकल गया महारानी, न रहा बात न बचेगी बात भी। दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती भस्म हो गई। मां भस्म हो गई, बहुत बुरा हुआ। बुरा नहीं, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। वंदना, हम तीनों लोक के स्वामी बनेंगे, अब संसार की कोई भी शक्ति हमारा सामना नहीं कर सकती। महारानी जी, आज महाराज की आरती उतारने का दिन है, राजमहल में दीप जगमगाने का दिन है। नहीं कुंभक, सती का भस्म होना कुछ करके रहेगा। जो होगा देखा जाएगा। भूल गई, हमें वरदान मिला है, केवल शिव का पुत्र ही हमें मार सकता है। अब ना शिव का पुत्र होगा और ना हमारी मृत्यु। अब हम तीनों लोक के स्वामी बनेंगे। महाराज धीराज बनेंगे। कुंभक जाओ, हमें इसी समय देवताओं पर चढ़ाई करनी है।
युद्ध का नगाड़ा बजा दो। Dear enough.
आर्य मुनिराज। देवराज इंद्र, ऐसा जान पड़ता है कि मेरे आने से रंग में भंग हो गया। चिंता न कीजिए मुनिराज, हमारी बड़ी से बड़ी चिंता का उत्तर है रंभा, उर्वशी और मेनका की पायल की झनकार। ऐसो तो है, परंतु पायल की झनकार में भटकने वाले समय की ललकार नहीं सुना करते। समय समय की रागनी, समय समय का फेर। नारद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? समय हमारा दास है, हमारी आज्ञा के बिना कोई स्वर्ग की सीमा तक को नहीं छू सकता। वो तो सत्य है देवराज, परंतु रहने दीजिए मुनिराज। जहाँ त्रिभुवन के भंडार के स्वामी कुबेर हो, विश्व को जीवन देने वाले पवन, अग्नि और वरुण हो, वहाँ कुछ नहीं होता। फिर भी अभिमानी का सर तो सदा नीचे ही होता है। क्या कहा? कुछ नहीं देवराज, मैं तो केवल यही कहने आया था कि राक्षस राज तारकासुर की विशाल सेना स्वर्ग की सीमा तक आ पहुंची। तारकासुर? कौन तारकासुर? वो तो अभी पता चल जाएगा। अच्छा, नारायण नारायण तारकासुर। देवताओं को दरबार में लाया जाए। जो आ गया महाराज, हैरी कहो राजबंदियों को लेकर आओ। देवता बंदियों के रूप में इंद्रलोक के अधिकारी अधिकार के मत में अंधे हो गए, विलाप में डूब गए थे। इन अभिमानियों का यह पता नहीं था कि अभिमान का अंत क्या होता है। ये अपने सिंहासन से नीचे गिर गए। इंद्रलोक के जिस सुख को भोगने का यह अपना अधिकार समझते थे, आज वो अधिकार हमारा है। इंद्रलोक हमारा है, हमारी शक्ति ने इनके अभिमान के सिर को झुका दिया है। कुबेर, धन के स्वामी, तुम्हारी पूंजी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। सारे जग की पूंजी तुम्हारी है, तुम्हारे भंडार को कोई नहीं छू सकता। लक्ष्मी, आगे महाराज। कुबेर के भंडार के स्वामी तुम हो आज से। कुबेर का भंडार खोलकर प्रजा का धन प्रजा में लगा दो। जो आगे महाराज। पवन, पवन, तुम समझते थे तुम्हारी आज्ञा बिना पत्ता तक नहीं हिल सकता। आज हम तुम्हारा आसन निशुम को सौंप रहे हैं। इंद्र, महाराज इंद्र, नहीं नहीं, देवराज इंद्र, आप तो देवलोक और इंद्रासन के स्वामी हैं, परंतु आप तो उर्वशी और रंभा का नाच ही देखते रहते हैं, दूसरों की तपस्या में विघ्न डालते रहते। हमारी शक्ति ने तुम्हारे अभिमान पर विजय पाई है। आज से तुम्हारे इंद्रासन पर हमारा अधिकार है। शुभ निशुभ, राजबंदियों को बंदीशाला में ले जाओ। माता का दूती जय हो। विश्व
विजयी महाराज की जय हो। महारानी आज भी हमारी जय जयकार करती। क्यों न हो, सब देवता आपके सामने हाथ बांधे खड़े हैं। मुझसे भाग्यशाली कौन है? महारानी इस जय जयकार के पीछे कोई बात अवश्य। मैं आपकी महारानी हूँ, आपकी जय जयकार करना मेरा भी कर्तव्य है। महारानी तुम हमसे छल नहीं कर सकती, कुछ न कुछ बात अवश्य है। कहो हम तुम्हारी हर बात पूरी करेंगे। आज हम अपनी महारानी से बहुत प्रसन्न हैं। नाथ। हाँ हाँ कहो। देवताओं को छोड़ दीजिए। देवताओं को छोड़ दो, परंतु वंदना। नहीं नाथ, हारे हुए शत्रुओं पर दया करना ही वीरों को शोभा देता है। और फिर आप तो तीन लोग के स्वामी हैं। महारानी न जाने हमसे क्यों तुम्हारी आज्ञा टालने का साहस नहीं होता। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, अपनी आज्ञा से देवताओं के बंधन खोल दो। नारायण नारायण। देवराज आप सब देवगण के साथ कहाँ जा रहे हैं? मुनिराज तारकासुर का अत्याचार सहा नहीं जाता, समझ में नहीं आता क्या हुआ। नारायण नारायण इसमें चिंता की क्या बात है? आप सब कुछ जानते हुए भी ये कह रहे हैं कि चिंता की क्या बात है? बात केवल इतनी है कि शक्तिशाली देवता अपनी ही शक्ति को भूले हुए हैं। मुक्ति का उपाय है। उपाय है तो बताइए ना। शक्ति की आराधना। शक्ति की आराधना? हाँ देवराज, जगत जननी जगदम्बे की आराधना से ही कल्याण होगा। धन्यवाद मुनिराज, हम माता जगदम्बे की आराधना करेंगे। नारायण नारायण। हे अम्बे जगदम्बे जननी आओ देवी भवानी, आओ देवी भवानी। कांप रहे हैं दुख से माता तीन लोक के प्राणी। बिना तुम्हारे कौन सुनेगा, बिना तुम्हारे कौन सुनेगा दुख से भरी कहानी। दशो दिशा में अंधकार है, दशो दिशा में अंधकार है, दर्शन दो कल्याणी, दर्शन दो कल्याणी, दर्शन दो कल्याणी, दर्शन दो कल्याणी। देवराज, देवलोक के दुख दूर होने की शुभ घड़ी आ गई है। राक्षसों के अत्याचार से त्रिभुवन के उद्धार के लिए मैं पर्वतराज हिमाचल के घर पुत्री रूप में जन्म ले रही हूँ। Yeah.
देख लिया महाराज, आज फिर आपकी लाड़ी महल में नहीं है। महारानी, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? अपनी सखियों के साथ ही कहीं गई होगी। उसे नहीं जाना चाहिए, उमा अब्दुल किसी बच्ची नहीं है, वो बचपन की सीढ़ी पार कर चुकी है। ओ हो, महारानी, एकलौती बेटी तुम्हारे लिए पहली बन गई है। नारायण नारायण, कैसी पहेलियां सुलझा रहे हिमाचल राज। प्रणाम मुनिराज, उमा अपनी सखियों के साथ खेलने गई है, उसी की चिंता है महारानी को। महारानी जी, उमा जैसी राजकुमारी के लिए चिंता करना व्यर्थ है। नारद जी महाराज, आपको गृहस्थियों की चिंता से क्या संबंध? जिसके घर में चंद्रमा के समान दिन दिन बढ़ने वाली पुत्री होती है, उस माँ को रात रात भर नींद नहीं आती। परंतु महारानी मैनावती, उमा कोई साधारण कन्या नहीं है। नारायण ना। मुनिराज, आप हमें लज्जित कर रहे हैं। कहाँ आप, कहाँ उमा? महाराज, समय आने पर आपको राजपुत्री की शक्ति और महिमा का पता चल जाएगा। उमा बेटी, यहाँ आओ, मुनिराज को प्रणाम करो। कल्याण हो, भगवान विष्णु तुम्हारी इच्छा पूरी करे। ठहरो बेटा, मुनिराज, बिटिया उमा के हाथ की रेखा में क्या लिखा है? लिखा है, अरे महारानी जी, राजकुमारी के हाथ की रेखाओं में उस सुनहरे दिन का इतिहास लिखा है जिस दिन के लिए इन्होंने जन्म लिया है। मुनिराज, पहलियों को छोड़कर ये बताइए, मेरे उमा के हाथ पीले कब होंगे? नारायण नारायण, महारानी जी, कन्या के हाथ तो तभी पीले होते हैं जब कोई योग्य वर मिलता। मुनिराज, मेरी उमा का वर कैसा होगा? नारायण नारायण, महारानी, उमा का वर तो ऐसा होगा जैसा आज तक किसी कन्या को प्राप्त नहीं होगा। सच? हाँ महारानी, उस वर का क्या कहना, ना उसके पिता का पता ना माता का, रहने के लिए टटोला है मरघट, नंग धड़म शरीर पर भभूत अरमाए भूत और प्रीतों के बीच में पड़ा रहता है। नारद जी महाराज, आप उमा के वर से बातें कर रहे हैं या किसी साधु सन्यासी के ध्यान में खोए हैं? नारायण नारायण, महारानी, उस वर का दर्शन पाकर संसार के करोड़ों साधु और सन्यासी अपने आप को धन्य समझते हैं। मुंडों की माला धारण करने वाला वो वर त्रिलोक की संपत्ति का स्वामी, उसकी मुंड माला पर त्रिभुवन के मानक मोती पन्ने पुखराज सब निछावर है। निशि का नाग चंद्रमा जिसके माथे का मुकुट है, और संसार का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका आसन। मुनिराज, आपकी पहेली को सुलझाना अपने बस की बात नहीं। महारानी जी, समय आने पर सब पहेलियां अपने आप सुलझ जाया करती। अच्छा महाराज हिमाचल, मुझे अब आज्ञा दीजिए, फिर मिलन होगा। नारायण नारायण। उस वर का दर्शन पाकर संसार के करोड़ों साधु और सन्यासी अपने आप को धन्य समझते। मुंडों की माला धारण करने वाला वो वर त्रिलोक की संपत्ति का स्वामी है, उसकी मुंड माला पर त्रिभुवन के मानक मोती पन्ने पुखराज सब निछावर है। ऋषि का नाग चंद्रमा जिसके माथे का मुकुट है, और संसार का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका आसन।
But not.
भजन को मन अकुलाए, दर्शन को मन अकुलाए, मन अकुलाए, मन ये क्या पागलपन है माता जी? आज हमसे भारी भूल हो गई। क्या हुआ, कैसे भूल हुई? लक्ष्मण जी फिर चली गई। महल के द्वार तो बंद थे ना? हाँ हाँ, महल के द्वार बंद थे। पता नहीं कैसे द्वार खुल गए और वो चली गई। मैं सब जानती हूँ, ये तुम दोनों की चालाकी है। तुमने उमा को बाहर भेजा है। माता जी चल जाओ मेरी आंखों के सामने से। मैं देखती हूँ उमा कहाँ गई है। नारायण नारायण, महारानी मैनावती किस पर इतना क्रोध किया जा रहा है? देखिए ना मुनिराज, लाख समझाने पर भी उमा न जाने कहाँ जाया करती है। इतना पहरा लगाने पर भी वो चली गई। नारायण नारायण, मातेश्वरी जगदम्बे पर पहरा। भूलो मत महारानी, देवताओं के दुख दूर करने के लिए ही जगदम्बे ने यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया है। लेकिन मुनिराज, उमा जाती कहाँ है? शक्ति शिव से कब तक दूर रह सकती है? उमा देवादि देव महादेव की पूजा करने के लिए जाती है।